आजकल बिग बॉस तो मैट्रिमोनियल पार्ट टू हो गया है, सो एवरी सीजन वी गेट अ पेयर्स। करण तेजस्वी जस्ट, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि उनका आगे भी कुछ होगा। सबका अपब्रिंगिंग अलग होता है, बट स्टिल उनको कंट्रोल करना चाहिए अपने लैंग्वेज पे। प्रतीक के पीछे पड़े रहते हैं वो लोग, जब देखो तब। अभी ऐसा नहीं है कि करण का ज्यादा रहता है वो। हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है फैजान और टैली मसाले में आपका स्वागत है। और आज मैं करने वाला हूँ पब्लिक से चर्चा बिग बॉस के ऊपर और जानने वाला हूँ उनकी राय, कौन सा कंटेस्टेंट उनको कर रहा है अपने गेम से इम्प्रेस और कौन कर रहा है पब्लिक को बोर। चलिए बात करते हैं पब्लिक से। बात करूँ तो करण और प्रतीक की लड़ाइयाँ चल रही हैं घर में, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? अभी प्रतीक के पीछे पड़े रहते हैं वो लोग, जब देखो तब। अभी ऐसा नहीं है कि करण का ज़्यादा रहता है वो, उसके एक बात कुछ भी बोलता है तो पीछे जबरदस्ती उसको, मतलब क्या बोले कि नहीं बोलना चाहिए, जो उसके लिए लड़ाई झगड़ा पीछे पड़ के ही रह जाते हैं कि लड़ते ही जाना है। बेचारा रो जाता है, अभी ये हाल होता है उसका। एक्चुअली प्रतीक को थोड़ा ज़्यादा डाउन फ्रेम करते हैं, वो इतना भी कुछ ओवर स्मार्ट ऐसा एक्टिंग करता नहीं है, लेकिन स्टिल उसके पीछे लोग पड़ते हैं। आई थिंक प्रतीक इज़ ओके, थोड़ा वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इतना उनमें अननेसेसरी है वो। आई थिंक दे आर प्लेइंग देयर गेम इन देयर ओन वे, एंड ये तो फ्यूचर ही बताएगा आगे क्या रहेगा कैसे रहेगा, बट आई थिंक इट्स ऑल फॉर द गेम, इट्स ऑल फॉर बिग बॉस एंड इट्स फेयर इनफ ऑन देयर पार्ट। करण वर्सेस प्रतीक में देखो दोनों खेल रहे, अच्छा खेल रहे दोनों का, मतलब परफॉर्मेंस दिख रहा है अच्छा, बट कंपेयर करेंगे तो करण थोड़ा एग्रेसिव कम है कंपेयर टू प्रतीक। प्रतीक बहुत चीज़ों को मतलब कुछ एग्रेशन पर ले लेता है, उसको मतलब समझाना रहेगा कुछ भी चीज़ किसी को, जैसे जो घर के मेंबर्स है तो वो मतलब एक उसको मतलब अपनी बात रखवा के मानता है। बट करण में आप देखेंगे तो करण काफ़ी मतलब वो सामने वाले की बात सुन लेता है बहुत टाइम, अगर वो एग्रेशन में रहेगा तो ठीक है, बाकी जब वो कूल डाउन होता है तो वो अच्छे से मतलब बात कर लेता है। तो इफ़ यू विल कंपेयर तो मैं करण को 60% दूंगा और प्रतीक को 40। आपको जैसे पहले ही पता है करण ही इज मास्टर माइंड राइट, और वो जहाँ पर उसका बेनिफिट होता है वो वहाँ पर ही जाता है। अगर प्रतीक को वो फाइट हो रही है तो आई थिंक देयर इज सम रीज़न। और हाल ही में सलमान खान ने अभी वीकेंड के बारे में बोला कि उनको रश्मि देसाई को उनके जो पुराने बॉयफ्रेंड थे अरफान जो थे उनके पास में जाना चाहिए, वो अच्छे आदमी हो गए हैं, अच्छे आदमी हैं वो, उस पर आपका उसके आपकी क्या राय है, उनको जाना चाहिए अरफान के पास वापस? मेरे को तो नहीं लगता जाना चाहिए, क्योंकि पहले उनका इतना कुछ देखा है उसके बारे में, उनको पता लगा दूसरे से भी उनका बहुत कुछ है, तो अभी मेरे को नहीं लगता कि उधर जाना चाहिए। आई थिंक नो, नहीं जाना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज सी फितरत बदलती है, फितरत इतनी जल्दी बदल नहीं सकती, नीयत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं चेंज होती। सो आई थिंक एक बार उसने कर चुका है तो नाउ शी शुड नॉट गो बैक। आई थिंक ट्रस्ट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर इन अ रिलेशनशिप, और अनहान ने काफ़ी मेजर डिसबैलेंस किया है ट्रस्ट का, तो आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व्स अ सेकंड चांस, इट्स लाइक मूव ऑन। हाँ, वो डिपेंड करता है रश्मि के ऊपर कि वो कैसे, वो जो सलमान खान का कॉम्प्लीमेंट है कैसे लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रश्मि देसाई ने एक बार धोखा खा चुका है राइट, लास्ट टाइम आपने जो बिग बॉस देखा था अरहान ने काफ़ी कुछ, और मुझे अरहान तो वैसे पसंद नहीं है, और माई सजेशन कि वो नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ में अगर जो तेजरन की घर में एक जोड़ी भी चल रही है उस पर आपकी क्या राय है, जो करण और तेजस्वी की जो जोड़ी चल रही है उस पर आपकी क्या राय है? अच्छा है, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो चलता रहे, हमारा क्या ले रहे हैं वो लोग, चलता रहे, अभी क्या बोल सकते हैं। नहीं, मैं तो अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो जस्ट एक दिखावा है, बिकॉज करण तेजस्वी जस्ट, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि उनका आगे भी कुछ होगा, वो एक सिद्धनाथ के ऐसा अपने आप को शो करना चाहते हैं आगे, वैसी जोड़ी अभी तक बिग बॉस में ना आई है ना कभी आएगी। आई थिंक मैंने क्रिटिज़म सुना है उनके बारे में कि लोग उनको फेक बोलते हैं, बट आई डोंट सी लाइक दे समथिंग, दे आर ओके, लाइक दे आर वेरी क्यूट, या दे आर वेरी क्यूट एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर ईच अदर, आई लाइक द वे करण ट्रीट्स तेजस्वी, सो एनी आई थिंक दे शुड गिव इट ट्राई इन आउटसाइड बिग बॉस, करना चाहिए 100%। यू नो आजकल बिग बॉस तो मैट्रिमोनियल पार्ट टू हो गया है, सो एवरी सीजन वी गेट अ पेयर्स, सो या आई थिंक दे विल मेक अ क्यूट पेयर इन फ्यूचर। तेजा और करण का बॉन्ड तो काफ़ी अच्छा बिग बॉस में दिख रहा है, होप ये बाहर भी कंटिन्यू हो तो और अच्छा रहेगा। हाँ, बाहर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये बिग बॉस को मतलब उन लोग आगे तक चले इसलिए उन लोग कर रहे हैं,
बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि दोनों का थिंकिंग क्लियर है और एज अ फ्रेंड्स भी उन लोग मतलब बहुत क्लियर है रहे और अगर रिलेशनशिप में है तो और भी अच्छा ही है। मैं भी बाहर आके और कंटिन्यू करेंगे। एंड इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा, हाल ही में अभी शमिता और अभिजीत की भी अभी लड़ाई हुई है, उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए, सभी तो पीछे ही पड़ गई है उसके, मतलब गाली दी उन्होंने, ये किया। नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ोगे तो उसको बोलना भी पड़ेगा ना। लड़कियों का ये रहता है कि हमने कुछ बोल दिया तो वो आगे जवाब नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके किसी के लिए गलत बोलोगे तो वो आगे से बोलेगा उसमें भी, क्या बोलते हैं। एक्चुअली उन्होंने वैसे तो अभिजीत ने थोड़ा गलत बोला, उनको अपनी लैंग्वेज माइंड करना चाहिए। वैसे तो राखी ने भी सही बात बोली थी कि सबका अपब्रिंगिंग अलग होता है, बट स्टिल उनको कंट्रोल करना चाहिए अपने लैंग्वेज पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, शमिता ने भी थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया, शी कुड हैव कंट्रोल्ड इट। शमिता ने अब्यूज़ किया है अभिजीत को, बिकॉज अभिजीत को बात करने की सेंस नहीं है, और शमिता, बट ऑब्वियसली कोई भी अगर उनके लाइक यू नो अगर उल्टा सीधा बोलेगा तो वो कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। तो बट एक तरफ से सही है, अभिजीत भी कोई खास नहीं है कि वो काफ़ी अच्छे बिहेवियर ढंग से बात करते हैं। अगेन सी, ओवर तो लगता है एंड आई डोंट थिंक सो, दे कम फ्रॉम गुड फैमिली, दे कम फ्रॉम गुड बैकग्राउंड। ऐसा गाली गलौज स्क्रीन पे पीपल वॉचिंग फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, इट्स नॉट गुड, बट अगेन इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आई थिंक दे वॉन्ट देयर TRPs, बिग बॉस वॉन्ट देयर TRPs, एवरीथिंग, एवरीबडी वॉन्ट देयर फेम। आई थिंक शायद बिग बॉस में जो रहते हैं उनको ये लगता है कि ये करने से हम ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, तो मे बी इट्स पार्ट ऑफ देयर गेम प्लान। शमिता और अभिजीत, राइट? देखो अभिजीत जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना, तो एक्चुअली उनका थोड़ा टोन वो हिसाब से है, तो और शमिता अपने पॉइंट पर राइट है। मतलब अगर कोई लड़की कोई इतना बैड थिंग बोलेगा, मतलब जूती के नीचे रखना और फिर मतलब प्रोवोक करना, तो वो सब गलत है। बट अगर अभिजीत को भी ज़्यादा उसको इतना प्रोवोक नहीं किया होता, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अभिजीत आए तो उनका मतलब परसेप्शन ऐसा नहीं था कि मैं शमिता को ख़राब दिखाना है, उनका मतलब अच्छा था कि भाई मैं उनको फ्रेंडशिप करनी है, अच्छे से रहना है। बट वो मे बी एक या दो कुछ ऐसा टास्क में हो गया कि उनको मतलब ऐसा लगा कि भाई अभिजीत बहुत लोअर मतलब क्लास से बिलोंग करते हैं और वो मतलब क्यों आए बिग बॉस में, ऐसे लोग को बिग बॉस ने क्यों लाया। तो अगर देखेंगे तो दोनों मतलब दोनों जगह पे ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब दोनों भी सही है, दोनों भी गलत है। कहीं कहीं पे मतलब मिस्टेक्स इसके भी है, शमिता के भी है, कहीं पे अभिजीत के भी है। अगर दोनों मतलब अपने अपने दायरे में रहेंगे तो वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर अभी जैसा क्लैश चल रहा है ऐसे चला तो मैं भी दोनों में से एक को तो बाहर जाना ही होगा। क्या लगता है घर में सबसे ज़्यादा एंटरटेन कौन कर रहा है? मेरे को तो करण का अच्छा लगता है, राखी का अच्छा लगता है। करण मेरे को सही लगता है, और उसके अलावा प्रतीक थोड़ा अलग रहता है, इज लाइक ओके, लाइक चल रहा है, जी रहा है, और निशान भी थोड़ा अपना गेम खेल रहा है, इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। जैसे कि अभी राखी आई थी और वही जो है हमेशा बिग बॉस जब भी बोरिंग होता है वही एंटर करती है, तभी जाकर वो एंटरटेन लेवल हाई होता है। सी, आई लाइक तेजस्वी, शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ एक्चुअली वेरी क्यूट, सो यू नो फॉर मी शी इज़ द एंटरटेनमेंट पैकेज। एंटरटेनमेंट तो सबसे ज़्यादा, देखो राखी से कुछ ज़्यादा कंपेयर कर नहीं सकता, एंटरटेनमेंट में सबसे नंबर वन पे है, और बाकी निशान भी काफ़ी टाइम अच्छे से बात कर लेते, सबके साथ अच्छे रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल तो राखी ऐसा एंटरटेनिंग है। आई थिंक वन इज राजीव, राजीव को मैं ऐसे देखता हूँ, और उसके अलावा थोड़ा बहुत उमर, ही इज लाइक लिटिल बिट, कभी कभी वो आप आते कभी नहीं आते, बाकी तो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। राजीव, हाँ ठीक है, राजीव है जो इतना नहीं कर पा रहा है अभी, क्योंकि इतने चुप चुप भी रहता है, इतना नहीं हो पा रहा है। बोरिंग एज ऑफ नाउ तो करण ही है, जो सिर्फ तेजस्वी को लेकर बैठा हुआ है, और वही बोरिंग चीज़ हम देख कर पक चुके हैं। सभी बोर करते हैं अपार्ट फ्रॉम तेजस्वी। सो सबसे ज़्यादा बोर कर रहे हैं तो जो राखी के हस्बैंड जो है ना, वो थोड़ा बोरिंग लग रहे हैं। सो वेल, ये तो थी जनता की राय, लेकिन आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कौन जा रहा है घर में सही और कौन जा रहा है गलत।